देश में कई नियम बदलने जा रहे हैं। एक नियम जूता इंडस्ट्रीज को भी प्रभावित करेगा। 1 अगस्त से देश में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS लागू हो रहा है। इस नियम के लागू होने से रोज़मर्रा के पहनने वाले जूते महंगे हो जाएंगे, लेकिन उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इस नियम के लागू होने से आम से लेकर खास और जूता मैन्युफैक्चरर पर क्या असर पड़ेगा, यही जानने के लिए न्यूज़ 18 लोकल की टीम जूता कारोबारियों से मिली और उनके विचार जाने। BIS लागू होने से आपके फुटवियर, जूते, चप्पल पहले की तुलना में अधिक मोटे होंगे, उनमें फिसलन नहीं होगी, क्रैक्स भी नहीं आएंगे और फुटवियर के ऊपर का सोल भी अत्यधिक लचीला होगा। 2 से 3 माह चलने वाला फुटवियर 7 से 8 महीने चलेगा। खराब फुटवियर की वजह से होने वाले घुटने दर्द की शिकायत भी कम हो जाएगी। यह सुविधा इसलिए मिलने जा रही है क्योंकि 1 अगस्त से भारतीय मानक ब्यूरो BIS सर्टिफिकेट फुटवेयर की ही बिक्री बाजार में होगी। लेकिन आगरा के जूता मैन्युफैक्चरर इस नियम का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले की तुलना में जूते महंगे होंगे, जो कि गरीब की जेब पर सीधे पड़ने वाला बोझ होगा। देखिए, मिसाल के तौर पे बताता हूँ, अभी हमारे जूते में जो सबसे ज्यादा सोल लगता है वो सस्ता PVC और एयरमिक्स लगता है, वो BIS के मानकों के हिसाब से नहीं है। BIS के मानक कहते हैं कि मिनिमम 4 mm के आसपास उसकी मोटाई होनी चाहिए। अब जो हमारे यहाँ सोल है वो वर्जिन कंपाउंड का होना चाहिए। वर्जिन कंपाउंड मतलब प्योर PVC। वो हमारे हिंदुस्तान में जो उसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सबसे बड़ा PVC का प्लांट जामनगर में रिफाइनरी में है, जहाँ से PVC कंपाउंड आता है। ऐसे ही वो कहते हैं जो अपर है वो भी BIS मानक का होना चाहिए। अभी जो जूते में सिंथेटिक लगती है वो 300 रुपये के आसपास की लगती है। अगर BIS लागू हो जाता है तो वही सिंथेटिक 350 रुपये की हो जाएगी, लगभग 15% कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति की जेब में 200 रुपये हैं, जिस व्यक्ति की जेब में 250 रुपये हैं, वो उपभोक्ता कहाँ से फिर जूते लेगा? क्या वो नंगे पैर चलेगा या हवाई चप्पल पहनेगा? आगरा का जो व्यापारी है वो 200 रुपये का जूता पहना के पूरे हिंदुस्तान को चप्पल से जूते वाला बनाता है। आप एक आम आदमी से जूता पहनने का हक छीन रहे हैं, आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो चप्पल पहने, आप उसको ये मजबूर कर रहे हैं कि जो ट्रेडर आज जूते का काम कर रहा है वो अपनी फैक्ट्री बंद कर दे, अपनी दुकानें बंद कर दे। क्योंकि अगर BIS लागू हो जाता है इसका डायरेक्ट फायदा दिल्ली लॉबी को होगा, दिल्ली के उन मैन्युफैक्चरर्स को होगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ उससे ऊपर है, क्योंकि उनकी मशीनें उसी हिसाब से बनी हुई है, उनका टर्नओवर 4 गुना 6 गुना हो जाएगा और आगरा का कारोबार बंद हो जाएगा और हम लोग सड़कों पर आएंगे और संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और अंतिम समय तक हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये ना व्यवहारिक है ना व्यापारिक है। 15% कॉस्ट कहाँ से कोई दे देगा, आप बताइए। BIS लागू होगा तो इसके लिए अभी व्यापारी जितने भी है पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। BIS को 31 मार्च तक गवर्नमेंट को किस तरह भी रोक के और सारी हर महीने 2 महीने इसकी मीटिंग करके व्यापारियों को बिल्कुल रेडी करके उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से लागू होना चाहिए। इधर क्या है, काम वैसे ही टूटे हुए हैं और बाकी भी अभी कारोबार खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा कुटीर उद्योग तो बिल्कुल ही जमीन पर आ जाएगा।